हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, मेटा शूटर जी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लूजिला, जिसके बैकर्स हैं और पार्टनर्स भी हैं और साथ के साथ काफ़ी बड़े बड़े लॉन्च पैड पर ये आ रहा है। तो मैं इसके अंदर आपको ये बताने वाला हूँ कि कितना ये हमें प्रॉफिट देकर जा सकता है और हम कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस लॉन्च पैड के थ्रू हमें पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इजी रहेगा और आप चाहे तो डायरेक्टली मेरे थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। सीधा लेकर चलता हूँ आपको उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, ये है मेटा शूटर की वेबसाइट, काफ़ी अच्छी वेबसाइट लग रही है और यहाँ पर देखिए इन्होंने पेज बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है पब्लिक आईडियो कहाँ कहाँ पर ये होने वाले, बीएससी पैड, गेम जोन, एनएफटी लॉन्च, पॉलीपैड, जिग पैड, ये पब्लिक आईडियो है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट आईडियो की, प्राइवेट आईडियो के अंदर आप कम्युनिटास लॉन्च पैड के ऊपर भी देख सकते हो, ये देखिए मेटा शूटर प्राइवेट सेल, ठीक है। तो प्राइवेट मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 21/4 को पब्लिक आईडियो होने वाला है इन पाँचों लॉन्च पैड्स पर, और प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट की हम इस पर करने वाले हैं। इसका जो इनिशियल जो प्राइस रहेगा 0.085 यानी कि 8.5 सेंट का रहने वाला है। पॉलीगोन चेन के ऊपर आ रहा है ये, यानी कि आपको फीस की भी टेंशन नहीं है। अगर ईथर ERC20 पर होता तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, तो पॉलीगोन चेन पे मैं कहता हूँ एक मैटिक भी आपको कई सारी ट्रांजेक्शन करने के लिए सफिशियंट है। 16 अप्रैल को है ये 3 UTC यानी कि रात को 8:30 बजे इसकी लास्ट टेकिंग पीरियड है और प्रिपरेशन पीरियड है ये भी रात को 8:30 से लेकर 9 UTC यानी कि करीबन रात तक काफ़ी देर तक चलने वाला हमारा, तो मतलब 9 बजे के बाद से हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और टारगेट जो रीज है इनका $50,000 का USDC का टारगेट है। आपको अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो अपने पॉलीगोन चेन पर यानी कि मैटिक चेन पर अपने USDC को डिपॉजिट करके रखिएगा, देन तभी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसकी वेस्टिंग की बात करते हैं तो 10% तो इसकी जब ये टोकन लिस्ट होगा, और लिस्टिंग की बात कर लेते हैं लिस्टिंग कब हो रही है ये भी देख लेते हैं ज़रा। तो अकॉर्डिंग टू देयर एडमिन व्हेन लिस्टिंग इन पैनकेक स्वैप TGE VR ऑन पॉलीगोन, ये इनका कहने का मतलब है कि भाई TGE हम पॉलीगोन पर है तो इसलिए पैनकेक स्वैप पर लिस्टिंग की बात ही नहीं होगी, ठीक है। 21st of April यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी इसके एडमिन ने 21st of April का अनाउंसमेंट कर दिया, यानी कि 21 तारीख को ये लिस्ट भी होगा, 21 तारीख को इसके आईडीओ है और प्लेटफॉर्म पर हम कम्युनिटास लॉन्च पैड पर 16 तारीख को ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे। और हमें देखो टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे पॉलीगोन चेन पर होने वाले हैं। अगर आप मेरे थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर एक साथ फंड कलेक्ट करके सेंड किया जाएगा और फिर टोकन आपके वॉलेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ये है प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। अब देख लेते हैं इसके फीचर्ड ऑन याहू फाइनेंस, मार्केट वॉच, investing.com, काफ़ी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी इसके बारे में बताया जा चुका है। और ये प्लेन अर्न गेम है, तो आप इसको गेम खेलकर और अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। ये देखिए एक तरह से हंटिंग गेम है, जंगलों में जैसे किसी को छोड़ दिया गया है, आप वहाँ पर चाहे डियर हो चाहे कोई भी जानवर हो उनका शिकार करते हैं ये है, और एरिया एक्सप्लोर करते हैं और उसके बेसिस पर आपको रिवार्ड भी मिलता है और टोकन रन करने का मौका मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे आपके शिकार समझ लीजिए ये हैं, और आप यहाँ पर बिल्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो, टावर क्रिएट कर सकते हो, ये आपका लैंड है जहाँ पर आप ये करने वाले हो। यहाँ पर देखिए उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोज़ भी दिए हैं, चलिए एक वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। पिक्चर की क्वालिटी काफी अच्छी है, मुझे ये बीच बीच में इसलिए रोकनी पड़ रही है क्योंकि नहीं तो कॉपी राइट लग जाएगा अगर 6 सेकंड तक मैं एक वीडियो को कंटिन्यू दिखा दूंगा। तो देख सकते हो काफी अच्छी ग्राफिक्स बनाए हैं इनके, मुझे तो खैर काफी पसंद आया और इस तरह के गेम मुझे भी काफी अच्छे लगते हैं। देखिए एम हंट टोकन का टिकर है, ठीक है, और 20% सीड राउंड वालों को 20% के आसपास टोकन देने वाले हैं। 19 मंथ की वेस्टिंग है इनकी, और पब्लिक वालों को 11 मंथ की वेस्टिंग है, और लिक्विडिटी के लिए इतने टोकन है ये है।
हमें ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग इकोसिस्टम के लिए इन्होंने 42% के आसपास रखे, काफ़ी ज़्यादा टोकन इन्होंने अपने पास रखे हैं। टोटल सप्लाई 95 मिलियन की है। इनिशियल प्राइस इनके लिए जो हमारे पास ये है लिक्विडिटी टीम एडवाइज़र पब्लिक, इनके लिए 0.17 है। चलते हैं और आगे, ये देखिए इनके इनके टीम है, आप देख सकते होगे हु क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, और बाद में 6 अदर टीम मेंबर्स और भी हैं इसके साथ साथ। निकोलस एस आवर एडवाइज़र लिंक्डइन, ठीक है, इनका लिंक्डइन भी दिया हुआ है। मीटा शूटर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोड मैप यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। M1 टोकन सेल सीड राउंड, ये देखिए मीटा शूटर NFT प्री ऑर्डर्स गेम अल्फा वर्जन, ठीक है, और इसका गेम भी नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। आप अगर यहाँ पे चलते हैं इनके टेलीग्राम पे, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है इनका गेम जो रिलीज़ होने वाला है नेक्स्ट मंथ का, कहाँ गया, इन्होंने नेक्स्ट मंथ अपने उसका गेम का अनाउंसमेंट, इज़ द गेम रेडी नेक्स्ट मंथ द फर्स्ट वर्जन विल कम लाइव पब्लिसिटी। तो ये समझ लीजिए नेक्स्ट मंथ जब इसका गेम रिलीज़ होगा तो इसके प्रोजेक्ट के अंदर और भी अच्छा हम पंप देख सकते हैं, तो इसको हमें नज़र में रखना है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बाकी फुल गेम लॉन्च इन्होंने Q4 के अंदर बताया, यानी कि अभी आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास देख सकते हैं या दिसंबर के बीच में, यानी कि 4-5 महीने बाद इसका फुल गेम लॉन्च होगा, स्टेकिंग लॉन्च हो जाएगी, ऑनलाइन गेम डेवलपमेंट, मल्टीप्लेयर डेवलपमेंट, तो उस टाइम पर जाकर मुझे लगता है कि थोड़ा हमें और भी अच्छा मुनाफा दे सकता है, बेनिफिट हमें दे सकता है। ठीक है, चलते हैं इनके YouTube पेज पर, जहाँ पर 3.58 इन्होंने देखी यहाँ पर भी वीडियो डाली हुई है, एक बार इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें और आइडिया लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये शिकार चल रहा है, और ग्राफिक्स देखिए कितने बढ़िया है, ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जिसकी लल्लू पंजू ग्राफिक होती है उसको फिर उस गेम को कोई जल्दी देखता नहीं। इसके ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा इसके और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसके पिक्सल्स को हैवी कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल रियल, जैसे रियल होता ना वैसे, ये देखिए तो इसके ग्राफिक भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर बात करते हैं इनके टेलीग्राम की कम्युनिटी की, तो 44,000 प्लस इनके पास टेलीग्राम कम्युनिटी है, और अगर बात करते हैं इसके ट्विटर पेज की, तो 46,000 ऑलरेडी इसके फॉलोअर्स भी है, जिसमें ब्रांड पेड फाइनेंस और कम्युनिटाज ने भी इनको फॉलो किया हुआ है। तो अब चलते हैं इनके डॉक्यूमेंट पर, देखिए मेटा शूटर का जो टोकनॉमिक्स है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सीड और प्राइवेट राउंड वालों के लिए 0.085 का है, मैं इस पार्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, ठीक है, 10% TG, 10% ईच मंथ। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक सेल IDO 10% सप्लाई है, इसके 13 सेंट का है, यानी कि अगर मैं इस प्राइस पर भी जाता हूँ तो कम से कम 70-80% हमें कम प्राइस पर मिल रहा है। यहाँ पर 10% TG, 15% ईच मंथ, हाँ ये इनका हमारे 9 मंथ में रिलीज होंगे, इनको 6 मंथ में रिलीज हो जाएंगे, पर हमारे पास प्राइस इतना कम है कि हमारा जो 6 मंथ के अंदर रिलीज होगा इनके बराबर ही हमारा प्राइस होगा, तो बाकी 3 महीने का तुम्हारा फ्री पड़ने वाला। बाकी IEO यानी कि बिटमार्ट एक्सचेंज पर भी इसकी लिस्टिंग की बात चल रही है, तो वहाँ पर तो टोकन 100% रिलीज हो जाएंगे, बट आप वो बिटमार्ट की कंडीशन होगी वो कैसे रिलीज करते हैं, आपका उसके अंदर लगता है या फिर आपको क्या आपका कोई टोकन होल्ड करने पड़ते हैं, जैसे हुओबी के अंदर, बाइबिट के अंदर, MEXC के अंदर, बाइनेंस के अंदर टोकन होल्ड करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पर ही आपको एलोकेशन मिलती है, तो बहुत रेयर चांस होता है, बट आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करके आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। और साथ सबसे बड़ी बात, ब्लू जिला का प्रोजेक्ट है ये, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए इनके पार्टनर्स हैं जिसमें बड़े बड़े नाम जुड़े हुए, ब्लू जिला, मास्टर वेंचर्स, काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसके साथ कौन कौन और जुड़े हुए हैं ये देखिए, मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको। देखिए ब्लोड ब्लॉक पैड, BSC पैड, पॉलीगोन स्टूडियोज, पेड इग्निशन, एनवीडिया और कम्युनिटास, सोल स्टार्टर, आप देख सकते हैं बेबीलोन्स, काफ़ी बड़े बड़े नाम इसके साथ ऑलरेडी पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं, और बाकी इनके साथ अभी इनकी बात भी चल रही है, तो ये प्रोजेक्ट हमें इजीली काफ़ी अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। फिर भी मैं चलता हूँ क्रिप्टोग्राफ रेटिंग्स, मैं इस पर खैर विश्वास नहीं करता हूँ इस रेटिंग्स पर, ठीक है, इनके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने जो रेटिंग दी है उन्होंने 6x की रेटिंग दी है, ठीक है। ROI का जो टारगेट है $1 तक जा सकता है, और हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी 0.085, ठीक है, पर ये इन्होंने दिखाया पब्लिक प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं अपने प्राइस के हिसाब से देखता हूँ, वीडियो लंबी होगी पर आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा, 1.02 का इन्होंने टारगेट लेकर चल रहे हैं, और हमारा जो प्राइस रहेगा, ठीक है, तो हमारे लिए ये
करीब करीब 11x के आसपास जाएगा, 1100% के आसपास जो दिखाई दे रहा, अगर इनका ये टारगेट हिट होता। और ये बहुत ही कम टारगेट देकर चलते हैं, ठीक है। इन्होंने इसकी मुझे लगता है रेटिंग काफ़ी कम दी है, जबकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा रेटिंग दी थी 25 या 26x, और वो प्रोजेक्ट गया था 6x के आसपास तक। और जबकि अब यहाँ पे देखते हैं रियल्स ऑफ एथर्निटी, जो जिसका जिसकी आईडियो के अंदर ने कल पार्टिसिपेट किया था मेटल हाउस लॉन्चपैड पर, उसमें मेरी करीब मेरी भी एक्सपेक्टेशन 10x से 20x तक की है। और अगर मैं बात करता हूँ मेटा शूटर की, मेटा शूटर पर मेरी एक्सपेक्टेशन वही, अगर आप ये 6x मिनिमम से मिनिमम लेकर चल रहे हैं, तो मैं 6x से लेके 12 से लेके 15x तक मेरी एक्सपेक्टेशन इसके अंदर है। अगर वो 10x भी जाता है तो हमारा 10% अमाउंट, हमारा इनिशियल अमाउंट, हमारा इनिशियल अमाउंट जो हमने इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा विड्रॉ हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ठीक है, रेटिंग भी इसकी ठीक दी हुई है, तो मुझे लगता है ये हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट था, मुझे लगता है इसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अपने एंड पर एक बार जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, लगता है आपको कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो कम्युनिटास लॉन्च पैड पर आकर आप डायरेक्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही टीयरलेस लॉन्च पैड है ये, आपको इसके अंदर बहुत ही कम टोकन होल्ड करने पड़ते हैं। कॉम टोकन जो इनके नेटिव टोकन है उसको आपको बहुत ही कम होल्ड करने पड़ते हैं, करीब करीब $70 से लेकर अगर आप $100 के टोकन को बाय करके रख लेते हो तो भी आप इसके अंदर गारंटीड एलोकेशन ले सकते हो। बाकी अगर आप बात करते हो बड़े बड़े लॉन्च पैड्स की, BSC पैड की, चाहे आप डाओ मेकर की, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए CD5 की, तो उसमें आपको लाखों लाखों रुपए करने के बाद भी गारंटेड एलोकेशन के नाम पर $10-12 की एलोकेशन पकड़ा दी जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।